हेलो फ्रेंड्स, मैं जितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रक में स्वागत करता हूं। तो आज एक नया हेलमेट के बारे में बात करेंगे। थंबनेल देखते तो आपको पता चल गया होगा, तो मैं बताना ना चाहता हूं, ये आपका स्टील बार्ड का SBS 40 स्पीड मॉडल है। तो SBS 40 का बहुत सारा सीरीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हो ये जो कलर है मेरे पास मेट ब्लैक और ग्रीन कलर का है। स्टार्टिंग में आपको भी दिखाया हुआ है जो एकदम रोल करके कौन सा कलर का है मॉडल दिखाया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कंपनी का जो बोलना है उसका फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आपको कंफर्ट ये फील दे सकता है या फिर आप इसको खरीद के पैसे को वेस्ट करते हो, इसी हिसाब से हम बात करेंगे। पहले मैं इसका मेरिट के बारे में बता दूंगा, फिर उसके बाद इसका डीमेरिट्स के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो हेलमेट है स्टील बार का SBS 40 स्पीड मॉडल है। ये ड्यूल विजर का हेलमेट है, आप देख सकते हो एकदम मस्त कलर वाला है ये, एरोडायनामिक डिजाइन। तो पहले इसका सेफ्टी के हिसाब से मैं जब रिव्यू करता हूँ, पहले आउटर सेल से ही करता हूँ, इसका भी आज आउटर सेल से ही करेंगे। जो कंपनी का जो बोलना है, इसका जो आउटर सेल जो है ABS मटेरियल से बनाया गया है और हाईली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं फ्रंट के साइड में इसका विजर के बारे में और वेंटिलेशन के बारे में। आप देख सकते हो फ्रंट के साइड में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जो विजर है ये आपका हाईली पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनाया गया है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है और UV रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ मैंने बताया था ये आपका डबल विजर का हेलमेट है। यहाँ पे देखिए सनग्लास दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, इसके थ्रू दोनों साइड में दिया हुआ है। मैन्युअली आप इसको ऑपरेट करोगे जो आपका समर के टाइम पे, अभी समर का टाइम चल रहा है तो ये आपका थोड़ा सा आराम देता है जब राइडिंग करते हो। तो ये हो गया विजर और नीचे का वेंटिलेशन का मैंने अभी बताया, ये यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका नोज गार्ड या फिर माउथ गार्ड जो भी आप बोल सकते हो। अभी हम बात करते हैं टॉप के साइड में। टॉप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है कंपनी, और बैक साइड में यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए पूरा एरोडायनामिक डिजाइन से बनाया गया है मस्त ग्राफिक से, और यहाँ पे भी डिजाइन अच्छे से बनाया हुआ है कंपनी ने जो अट्रैक्ट करता है। तो ये तो हो गया आपका आउटर सेल के बारे में। अभी हम कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। कंफर्ट के हिसाब से आपको इंटरनल मटेरियल देखना चाहिए, इसका जो इंटरनल का जो आपका फैब्रिक जो है कैसे क्वालिटी का है ये मैं बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, आप देख सकते हो फैब्रिक एकदम मस्त डिजाइन से बनाया गया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है ये। ठीक है, और ये तो हो गया है प्रीमियम क्वालिटी का, जिसका थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको वॉश भी कर सकते हो और आपका ये अटैच और डी अटैच दोनों हो जाता है, यानी कि आप रिमूव करके इसको वॉश भी कर सकते हो। ये आपका ब्रेडेबल पैड है और ये आपका फैब्रिक जो है इटालियन डिजाइन से बनाया गया है। तो ये सारा हो गया इसका इंटरनल का। सेफ्टी के हिसाब से इसका जो बक्कल जो होता है मेटालिक बक्कल है जो इजीली रिमूव हो जाता है। साथ ही साथ ब्लॉगिंग के टाइम पे आपको चिन कटन का ज़रूरत होगा तो कंपनी यहाँ पे भी प्रोवाइड करता है चिन कटन। और वेट, इसका जो वेट है आपका 1450 ग्राम का है, आप देख सकते हो प्लस माइनस 50। और यहाँ पे ISI ये सारे दिया हुआ है। और आपका ये जो हेलमेट जो है आपका चार साइज में अवेलेबल है, आप देख सकते हो स्मॉल मीडियम और उसका साथ लार्ज और XL चारों साइज में अवेलेबल हो जाता है, आप अपने हिसाब से प्रिफर कर सकते हो सर के हिसाब से। तो ये तो हो गया सारे आपका जो मैंने बताया मेरिट। अभी जो डीमेरिट्स है वो मैं बताना चाहूँगा, जो कंपनी का जो है फीचर में इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि मुझे दो यहाँ पे डीमेरिट दिखे मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका जो वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो डिजाइन जो दिया हुआ है ये आपका स्लाइडिंग वाला होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे जस्ट डमी जैसा दे दिया है, ये स्लाइडिंग नहीं होता है, ये फिक्स है। देख सकते हो ये डिजाइन बनाया गया है, ये स्लाइडिंग हो सकता था लेकिन यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया जो स्टील पार्ट में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो
ये वाला वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, इसको भी डमी जैसा दिया हुआ है, इसको आप लगता है ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन ये ऑपरेट नहीं होगा, ये फिक्स है। तो ये दोनों जो है मुझे सबसे जो अच्छा नहीं लगा, स्टील बर्ड जो बनाया हुआ है, ये जो आपका मूव नहीं करता है और ये वाला भी मूव नहीं करता है, दोनों नहीं मूव करते, ठीक है, बाकी सब सही है। तो अभी हम बात करते हैं इसका प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो 2099 जो 2100 रुपये का है, और आपके अच्छे खर्चे डिस्काउंट पे मिल जाता है। अगर 2000 के रेंज के अंदर आपको चाहिए तो ये हेलमेट को आप प्रीफर कर सकते हो, स्टील बर्ड SBS 40 स्पीड मॉडल। तो आज के लिए इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।